आप से फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे रसिया के वीजा के बारे में। अभी मेरे पास जो रिसेंटली जो अपडेट मिला है, इन्फॉर्मेशन मिला है, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट किए हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर जॉब मिशन वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन फुल होता है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको भी वर्क वीजा, स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, जॉब इमिग्रेशन, ट्रैवल वर्क देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे रसिया के वीजा के बारे में। अभी जो मेरे पास जो रिसेंटली अपडेट मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिला है, वो आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। रसिया जो इंडियंस को अभी तक ई वीज़ा देते आ रहा है, 2020 में चालू हुआ था ई वीज़ा, और ई वीज़ा का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और इंडियंस जो हैं रसिया घूमने जाते हैं तो ई वीज़ा ले सकते हैं। आप चाहो तो स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हो, और आप चाहो तो ई वीज़ा भी ले सकते हो। स्टिकर वीज़ा जो रहता है वो 6 मंथ का, 12 मंथ का और 1 मंथ का, लेकिन जो ई वीज़ा है वो 16 दिन के लिए रहता है। ई वीज़ा की फैसिलिटी मैंने बताया ही आपको क्या है, कि आप कहीं भी रहते हैं आप ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको VFS जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाई कमीशन जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ई वीज़ा इजिली मिल जाता है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि रसिया इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री देने वाला है, अभी दिया नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि रसिया ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, उनको वीज़ा फ्री मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं पता है। ये केवल अनाउंसमेंट है, और हो सकता है कि ये 1-2 महीने में न्यूज़ आ जाए कि रसिया वीज़ा कब से स्टार्ट कर रहा है इंडियंस को फ्री वीज़ा देने के लिए। काफ़ी इंडियंस हैं जो रसिया जाते हैं उनकी और घूमने के लिए। रसिया की इकनॉमी में बहुत बड़ा योगदान इंडियंस ने दिया है, और बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो जाते हैं रूस घूमने के लिए। तो अगर आप भी प्लान करो रसिया जाने के लिए, फ़िलहाल अगर आप जा रहे हो तो आपके पास आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो, आप ई वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो, आप स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो। ऐसे ही रसिया का जो वीज़ा है फ्री होता है, मैं इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो बना के डालूंगा और आप सभी को अपडेट दूंगा कि रसिया ने वीज़ा फ्री स्टार्ट किया और कितने दिन के लिए स्टार्ट किया, कितने दिन आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। फिलहाल ये अनाउंसमेंट है जो कि रसिया के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया है कि इंडियंस को वीज़ा फ्री मिलने वाला है या मिलेगा, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब स्टार्ट होगा तब पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वहाँ पे आप कैसे जा सकते हो, इन्विटेशन लेटर चाहिए, कि कैसे आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो सब कुछ कि वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। एक होता है वीज़ा फ्री, एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल में आपको फ़ीस पे करना पड़ता है, एक फ्री वीज़ा ऑन अराइवल होता है जिसमें फ़ीस नहीं पे करना पड़ता है। तो ये जो अपडेट आएगा उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि वीज़ा फ्री एक्सेस है, कि वीज़ा ऑन अराइवल है, कि क्या सिस्टम है, वो सब कुछ, कितने दिन के लिए वीज़ा फ्री है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं बहुत कुछ अपडेट वीडियो जॉब इमिग्रेशन की वीडियो बना के डालता हूँ चैनल पर, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी तक हमारे इस यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े हैं जुड़ जरूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।